नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास इंटेक्स का एक LED TV रिपेयर के लिए आया है दोस्तों। उसको मॉडल नंबर भी आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है दोस्तों। तो चलिए इसे फटाफट के अंदाज में आप देख पा रहे हैं इंटेक्स का है ये। तो चलिए दोस्तों, लाइन पर लगा कर इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को भी दिखला दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लाइन लगाने पर इसका बैक लाइट ऑन हो जा रहे हैं दोस्तों, और इसमें कोई भी पिक्चर नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए पहले इसे हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इसे किसी भाई को दिए थे रिपेयर के लिए, तो उससे नहीं हो पाया, तो ये हमारे पास लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए इसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमसे हो पाता है या नहीं। चलिए दोस्तों, पहले इसके स्क्रू ओपन कर लिए। चलिए दोस्तों, स्क्रू ओपन कर लिए हैं, इसे देखते हैं। हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें एक अलग सा पावर सप्लाई दिए हुए हैं दोस्तों, जो कि बैक लाइट के लिए हैं, इसलिए बैक लाइट इसमें ऑन हो जा रहा था दोस्तों। और ये आप देख पा रहे हैं, हमारे बटन का तार कटा हुआ है, स्पीकर का वायर भी, सेंसर का भी, और ये क्या दोस्तों, LVDS वायर भी कटा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो क्या हम इसे ठीक कर पाते हैं या नहीं, चलिए दोस्तों इस वीडियो पर आप बने रहें। चलिए दोस्तों, इस मदरबोर्ड और पावर सप्लाई के बदले में हम यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगा रहे हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं जो कॉम्बो हैं, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों हैं दोस्तों, और ये अडाप्टर इसमें जो लगा हुआ था उसे बैकलाइट के लिए ही रखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे फिट करते हैं दोस्तों। हमारे पास जो LVDS वायर हैं वो यूनिवर्सल का लिए हैं दोस्तों, ये देख पा रहे हैं, और उसके जो पुराना है ये देख पा रहे हैं, उसके जो पुराना है दोस्तों ये ख़राब हो चुका है, तो इसे भी हटा दे रहे हैं। अब चलिए इसमें इस यूनिवर्सल बोर्ड को हम इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, और किस तरह करते हैं आप वीडियो पर बने रहें। चलिए दोस्तों, जो जो मुझे कनेक्शन करना था मैं आप देख पा रहे हैं कर लिया हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखला रहा हूँ दोस्तों। ये वही इंटेक्स का TV है, आप देख पा रहे होंगे, तो जिसमें का मैं पावर सप्लाई और मदरबोर्ड यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगा रहा हूँ दोस्तों, दोनों को ऑन किया हूँ। चलिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बैकलाइट के लिए एक किट लगा हुआ है, और उसके बाद किस प्रकार से कनेक्शन है आप देख पा रहे हैं। यह सेंसर के लिए है, और स्पीकर वाले वायर, LVDS वायर जो कि मैं चेंज किया हूँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं सक्सेस हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब मैं प्लग को इन कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं इसमें का जो पावर बैक लाइट है वो ऑन हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, हमारा जो बोर्ड है वो भी ऑन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AV का सिंबल दिखाई दे रहे हैं, नो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब इसमें प्लग इन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्लग इन किया है। चल ये लग घुमा तो इसे सीधा करना। चलिए दोस्तों, आप देखिए कितना बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और साउंड भी ओके हैं दोस्तों। हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।